मैं बिहार लाल सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर, आपको आज अपन BCOM सेकेंड ईयर सेक्शन A&B अकाउंटिंग पेपर फर्स्ट कॉरपोरेट अकाउंटिंग यूनिट फर्स्ट के अंदर ऋण पत्रों का पहले अपने अर्थ पढ़ा, कितने प्रकार होते हैं वो पढ़े। इसके बाद में अगला चैप्टर अपने शुरू किया था ऋण पत्रों का शोधन। सिंपल वर्ड में ऋण पत्रों का शोधन का मतलब ऋण पत्र का भुगतान करना, या ऋण पत्र के बदले में ऋण पत्र लेके उसकी मैच्योरिटी में उसको नकद भुगतान दे दो, शेयर दे दो, डिबेंचर दे दो, ये सब ऋण पत्रों का शोधन था। शोधन की विधि, पहली विधि पढ़ी, कल डिस्कस किया। पहली विधि में ये था कि ऋण पत्रों का शोधन का तरीका था कि ऋण पत्र के बदले में नए ऋण पत्र दे दें या अंश दे दें। सेकंड विधि थी लमसम भुगतान की। लमसम भुगतान में भी दो, मेकिंग विदाउट मेकिंग रिडेम्पशन फंड या सिंकिंग फंड नहीं बनाकर, विथ मेकिंग सिंकिंग फंड बना के, दो प्रकार के हुए। तो आज अपन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर ऋण पत्रों का शोधन बाई कैश पेमेंट कोकड़ भुगतान द्वारा इन वन लमसम एक साथ विथ मेकिंग रिडेम्पशन फंड। रिडेम्पशन फंड या सिंकिंग फंड एक ही बात है, तो रिडेम्पशन फंड या सिंकिंग फंड बनाकर ऋण पत्रों का शोधन कैसे किया जाए इसका अध्ययन करेंगे। ऋण पत्रों का शोधन करना है और सिंकिंग फंड बनाते हुए, रिडेम्पशन फंड बनाते हुए कैसे करना। अब इसके लिए जब जब कंपनी को लगे कि ये इतना पैसा कंपनी कहाँ से लाएगी, बहुत बड़ा अमाउंट है, तो हर साल सिंकिंग फंड बना दें। सिंकिंग फंड का पैसा जितना बना वो इन्वेस्टमेंट कर दें, फिर इन्वेस्टमेंट का ब्याज आएगा, ब्याज फंड में जाएगा, सिंकिंग फंड में जाएगा, फिर वापस अगले साल री इन्वेस्टमेंट होगा, फिर उसका ब्याज आएगा। ऐसे करते करते अंतिम साल में सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट को बेच देंगे। बेचने से लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। लाभ होगा या हानि होगी पीने में नहीं ट्रांसफ़र करनी, वो सिंकिंग फंड में जाएगी और लास्ट में सिंकिंग फंड का पैसा जनरल लेजर में ट्रांसफ़र हो जाएगा और डिबेंचर का जब शोधन हो जाएगा भुगतान हो जाएगा तब। अब अपन एक एक एंट्री पे डिस्कस करें। प्रथम वर्ष में पहले साल के अंत में क्या प्रविष्टि होगी। अब सिंकिंग फंड में पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से निकालना, सिंकिंग फंड में कहाँ से ट्रांसफ़र करना, तो एंट्री जाएगी पीनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट या टू सिंकिंग फंड या रिडेम्पशन फंड। अब पीनल अकाउंट या पीनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट या टू सिंकिंग फंड या पीनल अकाउंट के डेबिट पक्ष में चला जाएगा, पीनल में से लाभ कम हो जाएगा और ये पैसा फंड में जमा हो गया। अब फंड में रखने से कोई ब्याज तो मिलेगा नहीं, अब इन पैसों को क्या करें, ये पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, विनियोग करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब इन्वेस्टमेंट करना है सिंकिंग फंड का पैसा, तो एंट्री हो जाएगी सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट या टू बैंक विनियोग करने की एंट्री। पहले साल ब्याज नहीं होगा, पहले साल के अंत में ही निकाला था, अंत में सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट या टू बैंक विनियोग करने की एंट्री। टू बैंक का मतलब पैसा लगाए और किस में लगाए, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट्स होगी और फंड लाइबिलिटीज में आ जाएगा। अब जब सेकेंड ईयर की बारी आएगी तो एंट्री जाएगी फिर अगले साल पीने से पैसे निकालने की फिक्स राशि, पीने से पैसे निकालने की पीनल अकाउंट या टू सिंकिंग फंड, पीनल अकाउंट पीनल प्रोविजन अकाउंट या टू सिंकिंग फंड जो पहले साल के एंड में की थी वही राशि से पीनल प्रोविजन अकाउंट या टू सिंकिंग फंड करना है। अब एक एंट्री और आ गई, जो पहले वर्ष के अंत में जो इन्वेस्टमेंट किया था उसका अपन को ब्याज मिलेगा। अब एक तरीका तो है दो एंट्री करो, जो विद्वान दो एंट्री करते हैं वो एंट्री लिखते हैं बैंक अकाउंट या टू इंटरेस्ट। अब दूसरी एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट या टू पीनल, नहीं लिखना सिंकिंग फंड लिखना,
तो अपन एक भी एंट्री कर सकते हैं बैंक अकाउंट डीआर टू सिंकिंग फंड, यानी कि ये इंटरेस्ट का पैसा फंड में चला गया। अब इन्वेस्टमेंट करने की बारी आएगी, तो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पीन से निकाली गई राशि प्लस ब्याज दोनों जोड़ के विनियोग करना है। तो एंट्री जाएगी सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डीआर, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डीआर टू बैंक, पीन से निकाली गई राशि और ब्याज की राशि, यानी एंट्री नंबर 3 व 4 दोनों के योग से ये बनेगा, दोनों के योग से। अब आता है थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर में भी वैसी एंट्री होगी, पहले पीन से पैसे निकालने की, पीन प्रोविजन अकाउंट डीआर टू सिंकिंग फंड, ब्याज मिलने की एंट्री बैंक अकाउंट डीआर टू सिंकिंग फंड, फिर इन्वेस्टमेंट करने की सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डीआर टू बैंक, पीन से निकाली गई राशि और ब्याज, ब्याज हर साल बढ़ता रहेगा क्योंकि अमाउंट बढ़ता रहेगा तो ब्याज बढ़ता रहेगा। ऐसे प्रथम साल, द्वितीय साल, तृतीय साल, ऐसे आगामी वर्षों में ये चलती जाएगी, यही तीन एंट्री सेम चलती गई, तृतीय साल हो चौथा साल हो तो भी ये एंट्री सेम की सेम, पीन लेपरेशन अकाउंट डी आर टू सिंकिंग फंड, ब्याज मिलने की बैंक अकाउंट डी आर टू सिंकिंग फंड, अगली एंट्री इन्वेस्टमेंट करने की सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डी आर टू बैंक, ये एंट्री द्वितीय साल, तृतीय साल, चतुर्थ साल चलती रहेगी। इसके बाद में जब लास्ट साल आएगा, जब डिबेंचर का शोधन कर देंगे, उस साल थोड़ी सी एंट्रियाँ चेंज है। उसमें एंट्री में क्या चेंज है कि सबसे पहले डिबेंचर के शोधन करने के लिए अपने विनियोगों को बेचना पड़ेगा, बेचने से पैसे आएंगे बैंक में जमा हो जाएंगे, तो पाने वाला बैंक और इन्वेस्टमेंट गए, एंट्री जाएगी बैंक अकाउंट डी आर टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, बैंक में पैसे जमा हो गए और इन्वेस्टमेंट खाता सी आर हो गया। अब इन्वेस्टमेंट बेचने का लाभ भी हो सकता है और होने की हानि भी हो सकती है। बाई द वे लाभ होता है तो एंट्री जाएगी सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डी आर टू सिंकिंग फंड, अब बाई द वे हानि हो जाए तो इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी, उल्टी एंट्री हो जाएगी। उल्टी एंट्री क्या बनेगी, इसकी रिवर्स एंट्री क्या बन सकती है, तो सिंकिंग फंड अकाउंट डी आर टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, फंड कम हो जाएगा, फंड का बैलेंस सी आर होता है, सी आर होने से बढ़ता है, डी आर होने से कम हो जाता है। अब विनियोग बेचने से जो हमारे पास पैसे आए, उन पैसों से डिबेंचर का शोधन करना है, भुगतान करना है। और डिबेंचर का भुगतान कैसे करें, डिबेंचर आए और पैसे गए तो डिबेंचर अकाउंट डी आर टू बैंक, टू बैंक वाला पेमेंट कर दिया, डिबेंचर का दायित्व ख़त्म और टू बैंक, बैंक में से पैसे कम हो गए, देने वाला बैंक है। अब हमारे पास, अब अपने दिमाग में आता है कि जब सिंकिंग फंड बनाया किस लिए था, डिबेंचर के शोधन करने के लिए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट कंप्लीट हो गया, अब सिंकिंग फंड रखने का मतलब ही नहीं, अब ये सिंकिंग फंड सामान्य रिजर्व में परिवर्तन हो जाएगा, जनरल रिजर्व में बदल जाएगा, एंट्री हो जाएगी सिंकिंग फंड अकाउंट डी आर टू जनरल रिजर्व, यानी अब सिंकिंग फंड जनरल रिजर्व में बन गया, पहले पूंजीगत था अब आयगत रिजर्व हो गया। शोधन के बाद ये एंट्री तभी होगी जब डिबेंचर का शोधन हो जाएगा, डिबेंचर का शोधन होने के बाद सिंकिंग फंड का बैलेंस जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है जितना भी बचे, ये एंट्रियां कौन सी विधि की है, डिबेंचर का शोधन करना है, लंप सम पेमेंट है और विथ मेकिंग रिडेप्शन फंड, विथ मेकिंग सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंड बनाकर एकमुश्त ऋण पत्रों का भुगतान हुआ। एक बार एंट्री वापस रिपीटेशन से, पहले साल में क्या इंटरेस्ट होगी, पहले साल में पीएनएल से पैसे निकालने के पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू सिंकिंग फंड, सेकंड ईयर में सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डीआर टू बैंक विनियोग करने की, सेकंड ईयर में ये तो पहले साल में पैसे बिजनेस निकाले और सिंकिंग फंड में ट्रांसफर कर दिए, इन्वेस्टमेंट खरीद लिए, अब फर्स्ट ईयर में दो एंट्री हुई, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट या टू सिंकिंग फंड, पीएनएल से व्यवस्था हुई, अब ये पैसा विनियोग करने की सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट या टू बैंक, सिंकिंग फंड और रिडेप्शन फंड एक ही है। अब द्वितीय वर्ष में और तृतीय वर्ष में आगामी सभी वर्षों में क्या प्रविष्टि होगी, उसमें तीन प्रविष्टियाँ हैं,
पहली एंट्री पीनस अप्रोप्रिएशन अकाउंट या टू सिंगिंग फंड, यह एंट्री प्रतिवर्ष सेम होगी, प्रतिवर्ष सेम होगी। अब क्या करें, फिर इस पैसों को का ब्याज प्राप्त हुआ, बैंक अकाउंट डी आर टू सिंकिंग फंड, अब इसका इन्वेस्टमेंट करना है, विनियोग करना है, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डी आर टू बैंक, विनियोग किया। विनियोग करते समय ध्यान रखना है कि ये एंट्री पीन से निकाली गई राशि प्लस ब्याज दोनों की जोड़ कर करनी है, दोनों के योग से करनी है। अब आता है लास्ट साल, अंतिम वर्ष में पीएनएल से निकाली गई राशि हर साल सेम रहेगी, ये पीएनएल प्रोविजन अकाउंट या टू सिंकिंग फंड ये तो रहेगी। अब अंतिम वर्ष में पहला काम विनियोग, री इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, पीएनएल से पैसे निकालने हैं, री इन्वेस्टमेंट नहीं करने हैं। अब अंतिम वर्ष में विनियोग बेचने की एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डीआर टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, पैसे आए बैंक अकाउंट डीआर टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट गए और पैसे आए बैंक अकाउंट डीआर, बैंक में जमा हो गए, बैंक पाने वाला है डेबिट और टू इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट बेचने से लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। बाई दो लाभ होता है, अंकित मूल्य अपने खरीदे उससे ज़्यादा पैसे में भाव बढ़ गए, लाभ भी हो जावे, लाभ हुआ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डी आर टू सिंकिंग फंड, यानी पीएनएल में नहीं डालना है, विनियोग बेचने का लाभ लाभानी खाते में नहीं जाएगा, सिंकिंग फंड में जाएगा। अब बाई दो हानि भी हो सकती है, उन्हें के लिए विनियोगों के भाव, शेयरों के भाव उतार चढ़ाव होते रहते हैं, अब हानि भी हो सकती है। हानि होने पर उल्टी एंट्री हो जाएगी, रिवर्स एंट्री होगी, एंट्री हो जाएगी सिंकिंग फंड अकाउंट डी आर टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। अब आता है डिबेंचर का भुगतान करने की, जब अपने सिंकिंग फंड को बेच दिया तो अब डिबेंचर का भुगतान भी कर रहे हैं, डिबेंचर का भुगतान करने की एंट्री डिबेंचर अकाउंट डी आर टू बैंक, डिबेंचर टू बैंक भुगतान करने के बाद अब अपने को अपने दिमाग में आता है कि अब इस सिंकिंग फंड का क्या करें, इस रिडेम्पशन फंड का क्या करें। अब जो रिडेम्पशन फंड है या सिंकिंग फंड है उनको किस में ट्रांसफ़र करें, सिंकिंग फंड पूंजीगत नेचर था, सिंकिंग पूंजीगत नेचर का था, जब डिबेंचर का भुगतान हो गया अब इसकी प्रकृति चेंज हो गई और ये आयगत नेचर का हो गया, अब ये सिंकिंग फंड का पैसा जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा, सामान्य संचय में ट्रांसफ़र होगा और एंट्री जाएगी सिंकिंग फंड अकाउंट या टू जनरल रिजर्व। सिंकिंग फंड का जितना भी बैलेंस बचता है वो ऋण पत्रों के शोधन के बाद वो जनरल रिजर्व में बदल जाता है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाता है। अब जो ये अंतिम वर्ष में द्वितीय वर्ष में एंट्रियों में क्या फर्क है, पीएनएल से निकाली गई राशि ये हर वर्ष होगी, प्रतिवर्ष होगी, ये प्रतिवर्ष एंट्री होगी अंतिम वर्ष तक। ये प्रतिवर्ष होगी अंतिम वर्ष तक, प्रतिवर्ष होगी और अंतिम वर्ष तक, लास्ट साल तक ये एंट्री चलती रहेगी। पीएनएल प्रोविजन अकाउंट या टू सिंकिंग फंड, थर्ड ईयर लास्ट साल से ऊपर साल में फर्क इतना ही है कि अंतिम वर्ष में पैसा री इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, पीएनएल से निकालना तो है लेकिन पीएनएल प्रोविजन अकाउंट या टू सिंकिंग फंड ये तो करना ही है,
लेकिन ये पैसा री इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, क्योंकि लास्ट साल में विनियोगों को बेचना है, इन्वेस्टमेंट री इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बेचना है बैंक अकाउंट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, उसका लाभ हो या हानि हो सिंकिंग फंड में जाएगा और सिंकिंग फंड का बैलेंस डिबेंचर के शोधन के बाद जनरल लेजर में ट्रांसफर हो जाएगा। ये अपन ने ऋण पत्रक की शोधन की एकमुश्त भुगतान लमसम पेमेंट और विथ सिंकिंग फंड विथ मेकिंग रिडेप्शन फंड बनाते हुए भुगतान की विधि पढ़ी। अगले टर्न पे अपने इससे आगे विधियों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।